गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा कि भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे से ही उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ, उसका हाथ वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। साधु ने प्रश्न भरी निगाह से सेठ की ओर देखा और कहा, कूड़ा है तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, महाराज, पहले से आप साफ कर लीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोछकर साफ कर लिया। सेठ ने अब फिर उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आप मुझे उपदेश देने वाले थे? साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? सेठ ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं समझा, आपने मुझे क्या उपदेश दिया? मैंने तो सिर्फ आपको भोजन दिया है। साधु ने कहा कि मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सको। तब सेठ को साधु के उपदेश का मूल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। कहानी समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जिस प्रकार सेठ साधु के उपदेश को नहीं समझ सका था, उसी तरह आम आदमी भी पहुंचे हुए लोगों को साधु संतों की बातों को नहीं समझ पाते। इतना आसान नहीं होता उनकी बातों को समझना। सच्चा उपदेश जीवन में खुद का व्यवहार होता है। अच्छे लोग, पहुंचे हुए लोग, ज्ञानी लोग अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से ही जीवन में उपदेश देने का कार्य करते हैं। और सच्चा विद्यार्थी, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाला वही होता है जो अपने गुरुओं को, वो जिन्हें जिनकी इज्जत करते हैं, वो जिन्हें अपने इष्ट मानते हैं, उनके कार्यों व्यवहारों से ही सीखने की आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको कान में आकर ही कुछ कहेगा तभी आप उसे ज्ञान मानेंगे। ज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है। हमें लोगों के कार्य व्यवहारों से, उनकी आदतों से भी सीखने की जरूरत होती है।